हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, अभी BGMI के अंदर हमें एक 32 MB की अपडेट देखने के लिए मिल चुकी है। सो आज वीडियो हम देखने वाले हैं उसमें क्या क्या हमें न्यू फीचर्स, क्या क्या न्यू चीज़ें देखने के लिए मिली हैं उस अपडेट के अंदर। एंड अभी सभी डिवाइस में वो अपडेट नहीं आया, सो चिंता मत करो, थोड़ी बहुत देर में सभी डिवाइस के अंदर आ जाएगा। सो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है गेम के अंदर। अभी इसका कोई ऑफिशियल पैच नोट नहीं आया, बट फिर भी हम खुद यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं यहाँ पे क्या न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं। सबसे पहले एक लक्की स्पिन यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी इसको देख ही सकते हैं, एक्चुअली मैं तो खोल नहीं सकता इसको। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 27 तक चलने वाला है। आज ये लक्की स्पिन आ चुका है, जिसमें दो बहुत सही से आउटफिट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड बस यहाँ पे इसकी आप देख सकते हो पूरा इवेंट शो वगैरह। एंड अभी एक यहाँ पे हम कर भी लेते हैं 10 UC तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं करने वाला मैं। तो अभी गाइस इसका कोई पैच नोट नहीं है, 32 MB अपडेट में हमें क्या देखने को मिला है। बट सबसे पहले जो मैंने एनालाइज किया, यहाँ पे मुझे ये एक लकी स्पिन यहाँ पे ऐड होता देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे हैकर्स बैन, यहाँ पे जो हैकर का सिस्टम होता है वो इम्प्रूव किया गया है। जो ये एंटी चीज सिस्टम है इसको इम्प्रूव किया गया भी इसका। सो यहाँ पे प्रूफ कैसे मिलता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे भी DM किया गया, लाइक भाई हमने यहाँ पे मेल के जो मेल पे हमें रिसीव हुआ कि ये ID बैन हो चुकी है जो भी हमने रिपोर्ट की थी। तो यहाँ पे एक्चुअली में इससे पता चलता है यहाँ पे बहुत सारे हैकर्स बैन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने रैंकिंग सिस्टम जाके चेकआउट किया, तो वहाँ पे जो रैंक 2 पे बैठा देख सकते हो डाकू गोल्ड, ये बैन हो चुका है बंदा। अब ये रैंक 2 पे बैठा 27 का KD लेके बैन, ठीक है। उसके बाद ये इसका भाई भी देख सकते हो 10 का KD लेके बैठा था रैंक 3 पे, ये भी बैन हो चुका है। सो एक्चुअली में यहाँ पे जो भी ये हैकर्स वगैरह थे, अभी ये बहुत सारे बैन हो रहे हैं। एंड इस चीज़ का प्रूफ मैं खाली यहाँ से दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इंस्टा पे भी बहुत सारे बंदों ने भेजा। एंड यहाँ पे भी तो लाइक जो एंटी सिस्टम है इसको भी इम्प्रूव किया गया, एंड शायद इसमें भी कुछ ऐड किया गया जिससे यहाँ पे लाइक बहुत सारी IDs जो हैं एकदम से बैन हुई हैं। लास्ट एक घंटे के अंदर यहाँ पे लाइक शायद लाखों ID बैन होगी होगी, बिकॉज बहुत सारी जगह पे मुझे इस चीज़ के लिए प्रूफ देखने के लिए मिले हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर वगैरह बहुत सारी जगह। सो हाँ, एंटी चीज सिस्टम भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया। उसी के साथ गाइस जो हमारा बीटा वर्जन है उसके अंदर भी एक छोटी सी अपडेट देखने मिली है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें ऐड हुई देखने मिली है जो हमारी BGMI की 1.6 अपडेट में आएंगी। सो अभी यहाँ पे एक चीज़ आने वाली थी जिसमें अगर आप हेड पे मारते हो मतलब तो आपको एक अलग साउंड सुनाई देता है, बट अभी आप उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो चुकी है, सो इस साउंड इफेक्ट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड अगर आप पूछे तो आप रख सकते हो। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सामने बंदा इसके हेड पे मारता हूँ, तो देखो भी जैसे मैंने इसके हेड पे मारा यहाँ पे एक अलग साउंड आया। जब यहाँ पे लाइक मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से सेटिंग में से जाके हेडशॉट साउंड इफेक्ट को, सो अब मारता हूँ तो यहाँ पे एक अलग साउंड इफेक्ट आएगा। एंड अभी आपने देख लिया होगा यहाँ पे दोनों साउंड इफेक्ट है, फिर इसको इनेबल करूंगा तो अभी आप यहाँ पे सुन सकते हो। तो भी आपको ऐसा साउंड इफेक्ट आ रहा है जैसे आप किसी आयरन वाली चीज़ पे मार रहे हो, लाइक ठीक है मेटल वगैरह पे, तो हेलमेट आपको ऐसे साउंड देगा। ये आप दूर को मतलब समझ सकते हो स्नाइपिंग कर रहे हो वगैरह, आपको यहाँ पे लाइक बहुत फायदा मिलेगा इससे। तो आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है गाइस यहाँ पे मतलब हमें देखने मिलता है स्प्रिंट सेंसिटिविटी। अभी यहाँ पे स्प्रिंट सेंसिटिविटी बता देता हूँ, ये जो आपका जॉयस्टिक होता है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। सो अभी देखो आप इसको कितना भी यहाँ पे लाइक राइट लेफ्ट ऊपर नीचे मूव करोगे, यहाँ पे आपका प्लेयर अभी भाग रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पे जो इसकी सेंसिटिविटी है उसको बिल्कुल डिक्रीज जीरो कर देते हैं, अभी देख सकते हो अभी लाइक मैं इसको लेफ्ट करूँ राइट करूँ लाइक ये स्प्रिंट नहीं होगा, मतलब ये ऑटोमेटिक से भागना शुरू नहीं करेगा, ये सिर्फ नॉर्मल चलेगा, मतलब बहुत धीरे धीरे साइड मिलेगा। अगर आप इसको दूर भगाना है तो आपको पूरा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो यही स्प्रिंट वाला बटन इसका इनेबल होगा। तो आप इसको कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी अपने प्लेयर को नहीं हिलाना है, लाइक एकदम से स्प्रिंट हो जाता तो आप गिर जाते थे ना कहीं पे छत पे चढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे उसके सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे 50% से जीरो से लेके मतलब 100% तक, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो जो आपको लाइक सही लगे। एंड मतलब उसी हिसाब से लाइक यहाँ पे जो आप ये स्प्रिंट होता है जिससे ऑटोमेटिक भागता है, सो वो यहाँ पे आपका दूर पास हो सकता है। एंड इसको पूरा 100% कर दोगे, सो आप जैसे ही मतलब यहाँ पे आप एकदम से ऊपर टैप करोगे तो आपका सीधा स्प्रिंट होने लगेगा एंड प्लेयर तेज भागने लगेगा। सो अभी आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो 1.6 अपडेट के साथ। एंड यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फीचर है जो मैं आपको बता भी चुका हूँ बट फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूसली बैंडेज अप्लाई वगैरह की हमारा एक न्यू हमें देखने के लिए मिला है। सो सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। सो ये देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूसली यूज बैंडेज, तो ये एक फीचर है जिसको आप इनेबल करोगे तो आपकी जो बैंडेज है लाइक आपकी हेल्थ 25% है, तो आपके पास 5 बैंडेज है तो 5ों की 5ों लगती चली जाएंगी जब तक आपकी 75 फुल मतलब 75 या 70 जितनी भी होती है वो उतनी हेल्थ नहीं होती। एंड अगर यहाँ पे आप इसको ऑप्शन को डिसेबल कर देते हो तो एक्चुअली में आपकी यहाँ पे लाइक एक ही बैंडेज अप्लाई होगी, जब तक आप दूसरा क्लिक नहीं रख करते आपकी दूसरी बैंडेज अप्लाई नहीं होगी। सो यार ये इंटेंस फाइट में काम आएगा, लाइक आपका ऑटोमेटिक बैंडेज अप्लाई होना शुरू हो जाता है तो आप फायर नहीं कर पाते आप एकदम से वगैरह वगैरह। सो ये भी आप ये तीन ऑप्शन है जो आपके आपको 1.6 अपडेट में देखने मिलेंगे। बाकी आज वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय गाइस।